नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके रोज कैसे पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो पहले तो हम दोस्तों ये जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है कि मार्केट खुलने के बाद हम पैसा लगाते हैं 9:15 पे, और 3:30 जब मार्केट बंद होता है उसके पहले उस शेयर को हमको बेचना होता है। मतलब कि एक दिन में जो शेयर हम करते हैं प्रॉफिट अपना बनाते हैं उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो उसमें हम कुछ ऐसे बात करेंगे जो हमको कम से कम नुकसान हो और इंट्राडे ट्रेडिंग में बिगिनर्स के लिए फायदा हो। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहले तो हम ध्यान देंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको अपना प्रॉफिट और लॉस पहले से डिसाइड रखना होगा कि हमको आज के डेट में कितना लॉस सहना है और कितना फायदा चाहिए मुझे। वो जितना आपको प्रॉफिट चाहिए अगर उतना प्रॉफिट आप गेन कर लेते हैं तो आप बिल्कुल लालच ना करें, उस शेयर को आप तुरंत बेच दें। और आप जो डिसाइड करते हैं कि मुझे आज इतना ही लॉस लेना है तो उससे ज्यादा लॉस जैसे होने लगे आप उस शेयर को बेच दें। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। देखिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अगर आप 10,000 का कैपिटल रखे हैं, 10,000 का अमाउंट है आपके पास जिससे कि आप रोज ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप कम से कम 5% गेन करने का सोच सकते हैं, जिसका हुआ 500 रुपए। 500 रुपए अगर आप रोज गेन करते हैं तो आप उसका एक लॉस डिसाइड कर लीजिए कम से कम 2.5%, 200 से 250। अगर आप 200 से 250 का लॉस सेट कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, और 5% का प्रॉफिट डिसाइड कर लेते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं सोचना है, लालच नहीं करना है, तो आपको पैसा आपके वो गवाएंगे नहीं। और अगर आप एक डिसाइड कर लिए हैं कि हमें इतना लॉस करना है तो उससे ज्यादा आपका लॉस होगा भी नहीं। अगर मान लीजिए 10 दिन आपने 500 कमाए तो आप कमाए कितना 5,000, और आप 250 10 दिन गवाए तो आपने गवाए कितना 2,500, फिर भी आप 2,500 के प्रॉफिट में है। इसलिए आप एक डिसाइड कर लें, टारगेट बना लें कि हमको प्रॉफिट कितना करना है और लॉस कितना करना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में और हम कुछ ऐसे बात को ध्यान देते हैं कि आप ट्रेडिंग में कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो पहले तो दोस्तों हम ध्यान देंगे कि कभी भी शेयर मार्केट में लोन लेकर या फिर किसी से उधार लेकर के शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा हमको ध्यान देना है कि यदि हम बिगनर हैं और इन बात को हमने नहीं ध्यान दिया कि टारगेट क्या होता है, लॉस क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है, तो इस बात को अगर हमको नहीं पता था और हम बहुत ज्यादा लॉस कर चुके हैं शेयर मार्केट में, तो आप प्लीज सीखने के बाद भी उस ज्यादा अमाउंट जो लॉस कर चुके हैं, जैसे मान के चलिए 5 से 10,000 या 20,000, 20,000 अगर आपने लॉस कर दिया है अपना, तो ये ना सोचें कि एक ही दिन में हम उस 20,000 को अगले दिन प्रॉफिट कमा लेंगे। अगर आप एक ही दिन में 20,000 का प्रॉफिट बनाना चाहेंगे तो पक्का है कि आप दुगना लॉस हो जाएंगे, 20 का आप 40 गवा देंगे। क्योंकि जब आदमी का लॉस होता है तो और ज्यादा टेंशन में वो मेहनत करता है, और जब टेंशन में आप कोई भी काम करते हैं तो पक्का है वो काम खराब होता है। इसलिए अगर आप 20,000 का लॉस किए हैं, 10,000 का लॉस किए हैं, तो पहले तो आपको एनालिसिस करना है कि क्या गलती हुई थी मेरे से कि जो मैं इतना बड़ा अमाउंट लॉस कर दिया सिर्फ एक दिन में। तो देखिए सबसे ज्यादा आपको एनालिसिस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं एक एनालिसिस करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने सबसे ज्यादा क्वांटिटी खरीदी होगी। अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी इकट्ठे ले लेंगे तो आपका लॉस होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आपने 1,000 क्वांटिटी ले ली और 1 रुपए बढ़ता है तो आपका 1,000 का फायदा होता है, और 1,000 में 1 रुपए घटता है तो 1,000 का नुकसान होता है। इसलिए क्वांटिटी पे बहुत ध्यान देना है स्टार्टिंग में। और दूसरा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 3 से 4 स्टॉक से ज्यादा आप मत लें, क्योंकि आप अगर 4 से ज्यादा स्टॉक ले लेंगे तो आप और फिर ध्यान नहीं दे पाएंगे। हो सकता है एक पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, 2 पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, 3rd, 4th, 5th आपको ज्यादा लॉस दे दे। इसलिए 3 से 4 रोज आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आप शेयर खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। टारगेट और लॉस आपको बिल्कुल ध्यान देना है। टारगेट जैसे आपने गेन कर लिया, तुरंत आप शेयर को बेच दें।
और दोनों ही कंडीशन में, जैसे कि आपने लॉस उतना जितने डिसाइड किया है वो हो गया हो, तो आपको उसको बेच देना है, लालच बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर नए हैं, आपको थोड़ा बहुत लॉस होता है तो भी चलता है, क्योंकि लॉस भी बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में, क्योंकि आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैंने जो बताया अभी इसके पहले कि 20,000 अगर आपने गंवाए हैं, तो 20,000 को एक दिन में ना बनाने की कोशिश करें, क्योंकि 20,000 को अगर आप 10 दिन में बनाएंगे, 20 दिन में बनाएंगे, 1-1,000 करके बनाएंगे, तो आपका लॉस भी कम होगा, आपको 20 बार सीखने का मौका मिलेगा। बिगनर्स के लिए सबसे ज्यादा फायदा फायदा यह है। मैं भी जब स्टार्टिंग में शेयर मार्केट में पैसे बनाता था, तो मेरा भी, मैं बहुत कम से कम अर्न करता था, अब तो मैं अच्छा खासा अर्न कर लेता हूं। और मैं देखिए बात करता हूं कि कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर शेयर मार्केट में रिस्क लेकर काम तो करना चाहिए, मैं मानता हूं, हर्षद मेहता का डायलॉग था, रिस्क है तो इश्क है, तो लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, जितनी मेरी स्ट्रेंथ है उतना ही मुझे रिस्क लेना है। और देखिए रिस्क लेने से टेंशन होता है, और टेंशन आपको पता है कि हर्षद मेहता का डेथ रिस्क लेकर के टेंशन से ही हुआ था, उनका हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी। और आपको बता दें कि जितना रिस्क लेंगे, जितना आपको टेंशन होगा, उतनी ही बीमारी होगी, इसलिए आप रिस्क ना लें बहुत ज्यादा। देखिए मैं बात करता हूं, आप बिल्कुल ये ना सोचें जो पैसे गंवा दिए हैं, कि आपको एक डिसाइड कर लेना होगा अमाउंट, कि इतना ज्यादा अगर मैं अमाउंट शेयर मार्केट में खो दिया तो उससे उसके बाद मुझे शेयर मार्केट में नहीं आना है, क्योंकि अब आपके लायक वो शेयर मार्केट नहीं है, बिल्कुल उस शेयर मार्केट से निकल जाना है। शेयर मार्केट एक बिल्कुल उस तरह होता है जैसे कि एक पतंग है, पतंग जितना ऊपर जाता है उतना ही आपको मांझा ढीला करना पड़ता है, देना पड़ता है उसको ऊपर जाने के लिए, लेकिन बहुत ऊपर जाने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो आपका बिल्कुल वहां से आपका उस पे कंट्रोल खो देते हैं, और वो बिल्कुल डाउन चला जाता है, फिर वो आपके हाथ में नहीं रह पाता है। इसलिए आपको बिल्कुल ये ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में हम ज्यादा घाटा ना करें, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाएं। तो इस वीडियो से मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला हो, ये मेरा सारा एक्सपीरियंस है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।